हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों हिंदी के 100 मार्क्स हिंदी के दोस्तों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा दोस्तों, जो कि दोस्तों एग्जाम में इसी पैटर्न पर दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें दोस्तों 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करूँगा, जिसमें सिर्फ आपको दोस्तों 50 का ही जवाब देना है दोस्तों। आपको अगर आपको दोस्तों पहले से 50 ऑब्जेक्टिव मालूम थे या दोस्तों आपने 60 में 60 ऑब्जेक्टिव दोस्तों सही किया दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बतलाना दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, सभी 60 ऑब्जेक्ट अब देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, आपको दोस्तों एग्जाम के बारे में पता चलेगा दोस्तों कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों। सेम टू सेम दोस्तों इसी पैटर्न पर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, इससे ज्यादा अलग भी नहीं आता है और न इससे दोस्तों ज्यादा बाहर आएगा दोस्तों, एकदम इसी पैटर्न पर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पाल हुआ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करें दोस्तों। साथ में दोस्तों मैंने हिंदी का सेट दोस्तों 6 लाया हूँ दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं 5 सेट का दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दें, उसका प्ले लिस्ट भी बना जाए, वहाँ से भी अध्ययन कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन दोस्तों कमेंट करके जरूर बतलाना दोस्तों, 60 ऑब्जेक्टिव में से आपको पहले से कितने मालूम थे दोस्तों, ठीक है। तो जरूर कमेंट करके बतलाना। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का था कि 1869 ईस्वी तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया दोस्तों। बतला सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि 1869 ईस्वी से लेकर के दोस्तों कब तक, 1869 से लेकर के 1875 तक के दोस्तों बालकृष्ण भट्ट वो दोस्तों किस स्कूल में अध्यापन किए थे। तो बतला सकते हो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देंगे, प्रयाग के मिशन स्कूल में दोस्तों जो बालकृष्ण भट्ट 1869 से लेकर के 1875 ईस्वी तक दोस्तों अध्यापन किए थे। याद रखना दोस्तों, राइट आंसर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, प्रयाग के मिशन स्कूल में, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों देखिए, ये ज़्यादातर क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 के एग्जाम में पूछने को दोस्तों देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहना, पहला दोस्तों रिक्वेस्ट यही है। चलिए सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि रेल का विकेट खेल किन की रचना दोस्तों। रेगुलर स्टूडेंट बिल्कुल बतला सकते हैं, कई बार इसका आंसर करा चुका हूं दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट दोस्तों रेल का विकेट खेल की रचनाकार है, यानी कि दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, रेल का विकेट खेल किसकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बालकृष्ण भट्ट दोस्तों कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे, बालकृष्ण भट्ट थे दोस्तों वो कैसे स्वभाव के थे। तो बालकृष्ण भट्ट थे दोस्तों बतला सकते हो वो कैसे स्वभाव के दोस्तों लेखक है, ठीक है बतला सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना दोस्तों, उग्र दोस्तों उग्र स्वभाव के होता है, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट दोस्तों वो कैसे स्वभाव के थे, तो उग्र स्वभाव ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए फोन नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि गुलेरे जी ने कुल कितने कहानियां लिखी है दोस्तों। गुलेरे जी है दोस्तों वो कितनी कहानियां लिखी है। चलिए ऑप्शन में दिया 2, ऑप्शन बी में दिया 3, ऑप्शन सी में दोस्तों देख सकते हो दिया गया 4, ऑप्शन डी में दिया गया 5। तो बहुत बार दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछा गया लगता है, लेकिन दोस्तों मैं इसका कई बार आंसर करा चुका हूँ, अगर नहीं पूछा गया दोस्तों तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएंगे। 3 बार दोस्तों जो है गुलेरे जी है दोस्तों वो कहानियां लिखी है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन जो हाईलाइटेड क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम दोस्तों बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैं दोस्तों इसका आंसर की करा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहना। चलिए गुलेरे जी की कहानी, उसने कहा था दोस्तों, गुलेरे जी की कहानी कौन सी, उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले भी इसका दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों जिसका मैं पहले भी आंसर करा चुका हूँ दोस्तों, अमृतसर से दोस्तों होता है, ठीक है। कहाँ से दोस्तों भरे बाजार शुरू होता है, तो अमृतसर से दोस्तों इसका दोस्तों अमृतसर का ही दोस्तों इसमें उसने कहा था दोस्तों शहर का चित्रण दोस्तों, इसे भी याद रखना अमृतसर का दोस्तों किस में चित्रण है, तो ध्यान रखना दोस्तों उसने कहा था कहानी में, ठीक है, जो कि दोस्तों गुलेरे जी द्वारा के लिखा गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, इसे भी दोस्तों ध्यान रखना, अमृतसर से दोस्तों स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था, सब लोग दोस्तों आंसर कमेंट करते रहना दोस्तों, पहले से आंसर पता होता है, ठीक है, ताकि दोस्तों आपका मनोबल दोस्तों जो बरकरार रहेगा, ठीक है। तो चलिए भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ दोस्तों, भारतीय सिपाहियां थे दोस्तों वो किसके साथ संघर्ष हुआ। चलिए ऑप्शन में दिया तुर्कों के साथ, ऑप्शन में बी में दिया फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन सी में दिया गया अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन डी में दिया गया जर्मनों के साथ। तो बता सकते हो जो इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों आप सब लोग को क्या लगता है।
तो दोस्तों भारतीय दोस्तों सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बतलाना दोस्तों। मैं इसका कई बार आंसर बतला चुका हूँ दोस्तों, मैं आशा करूँगा सभी लोग दोस्तों इसका आंसर कमेंट करके जरूर बतलाएंगे। चले जिसका दोस्तों राइट आंसर है उसका दोस्तों मैं आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। जितना जल्द हो सके दोस्तों आप राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। चले जयप्रकाश नारायण 1974 में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के दौरान जेल गए दोस्तों, जेल होना चाहिए ठीक है, आंदोलन के दौरान ठीक है दोस्तों जेल गए, किस आंदोलन के दोस्तों जो 1974 में आपातकाल के दौरान दोस्तों किस आंदोलन में दोस्तों गए। चलिए दोस्तों सब लोग जानते हैं 1974 में जो हुआ था दोस्तों वो छात्र आंदोलन हुआ था, तो देख सकते हो दोस्तों छात्र आंदोलन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया जो किसका है दोस्तों कायरेक जवाब देंगे छात्र आंदोलन में दोस्तों, यानी 1974 ईस्वी दोस्तों छात्र आंदोलन हुआ था, इससे भी दोस्तों याद रखना ये दोस्तों आर्ट्स में भी आप सब लोग पढ़ेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे छात्र आंदोलन के दौरान दोस्तों वो कहाँ गए तो जेल गए थे। चलिए 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आशा करूंगा सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं ठीक है। जयप्रकाश दोस्तों जेपी नारायण के दोस्तों जो माता का पिता का नाम दोस्तों था वो क्या था, बता सकते हो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो दोस्तों क्या हो जाएंगे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, चैट में भी आंसर बता सकते हो। तो जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम दोस्तों हर्षोद्याल था, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम दोस्तों हर्षोद्याल था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, कई बार इसका आंसर दोस्तों करा चुका हूँ ठीक है, तो रेणुका दोस्तों किसकी रचना है। चलिए ऑप्शन में दिया चंद समय गुलेरी जी, ऑप्शन में दिया मोहन के, सब लोग दोस्तों चैट में आंसर दीजिए। चलिए ऑप्शन में दिया रामधारी सिंह का, ऑप्शन डी में दोस्तों दिया उदय प्रकाश, सभी लोग दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ताकि आपका दोस्तों जो तैयारी दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से हो सकेंगे, और कमेंट करके बताना दोस्तों आपको दोस्तों कितने ऑब्जेक्टिव पहले से मालूम थे ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहना। रेणुका दोस्तों किसकी रचना, तो रेणुका दोस्तों जयप्रकाश यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, और 1974 ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था इनका देहांत हुआ था दोस्तों, क्या दोस्तों 1908 ईस्वी में इनका दोस्तों जन्म हुआ था, और 1974 ईस्वी में दोस्तों इनका निधन हुआ था, सिमरिया बेगूसराय में इसका जन्म दोस्तों हुआ था, किनका, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा दोस्तों, इसलिए रेणुका दोस्तों जो रचना हो जाएगी वो रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मालती के पति का नाम क्या है, मालती के पति का नाम दोस्तों क्या था, बता सकते हो महेश्वर था कि दिनेश्वर था कि राजेश्वर था कि जगेश्वर था, तो सब लोग दोस्तों कहानी पढ़ेंगे तो बिल्कुल बता सकते हैं, मैं आशा करता हूँ दोस्तों सब लोग बता सकते हैं महेश्वर ठीक है दोस्तों। मालती के पति का दोस्तों क्या नाम था, महेश्वर, जो कि दोस्तों एक डॉक्टर था, क्या था, डॉक्टर था, इसे भी दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जो है दोस्तों, एग्जाम एकदम सेम टू सेम दोस्तों इसी तरह का दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, इससे दोस्तों ज़्यादा अलग नहीं पूछेगा दोस्तों, जो सेट देख रहे हो दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, तो दोस्तों आपको घर आने की जरूरत नहीं दोस्तों, सेट वाइज सेट आता रहेगा दोस्तों सभी चैप्टर का ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन की घंटी होता है उसे प्रेस करके रखना दोस्तों, ताकि ऐसा ही वीडियो दोस्तों आपको अलर्ट रखेगा ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि कहरनामा दोस्तों किसकी रचना है, कहरनामा दोस्तों किसकी रचना, मैं आशा करूंगा सब लोग दोस्तों चैट में आंसर दीजिएगा ठीक है, कहरनामा दोस्तों वो किसकी रचना, बता सकते हो, चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया, तो कहरनामा दोस्तों जो रचना है, कहरनामा दोस्तों जो रचना है मालिक मोहम्मद जायसी जी की है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है दोस्तों, साहित्य लहरी है दोस्तों वो किसकी रचना, चलिए सभी लोग बता सकते हो दोस्तों, इसका भी पहले आंसर करा चुका था ठीक है, तो साहित्य लहरी दोस्तों वो किसकी रचना, तो सूरदास की रचना है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल कायरेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, सूरदास की हो जाएंगे, साहित्य लहरी दोस्तों किसकी रचना है, तो सूरदास की हो जाएंगे ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल कायरेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर कहता है कि सूर्य काव्य के तीन प्रधान दोस्तों विषय क्या, सूर्य काव्य के दोस्तों तीन प्रधान विषय क्या है, तो बतला सकते हो, स्टार ऑप्शन दोस्तों दिया गया है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सूर्य काव्य के दोस्तों जो तीन विशेषता है दोस्तों वो दो नंबर में पूछ सकता है, विनाय शक्ति है दोस्तों, विनाय शक्ति है दोस्तों, बात्सल्य और दोस्तों प्रेमी श्रृंगार दोस्तों, देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जो कि इसका कायरेक्ट जवाब देंगे दोस्तों ठीक है, भक्ति विनाय भक्ति बात्सल्य और दोस्तों प्रेम सागर है जो सूर्य काव्य के तीन दोस्तों प्रधान विषय है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए तुलसीदास की माता का नाम दोस्तों क्या था, तुलसीदास की जो माता का नाम था दोस्तों वो क्या था,
चार ऑप्शन दोस्तों दिया गया। मैं आशा करूंगा दोस्तों एक एक स्टूडेंट इसका आंसर देने की दोस्तों ताकत आएंगे। तुलसी जी दोस्तों देंगे क्या, तो तुलसी जी के दोस्तों जो माता का नाम था दोस्तों वो हुलसीता, क्या था हुलसीता दोस्तों देख सकते हो ऑप्शन नंबर में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट जवाब देंगे तुलसीदास की माता का नाम हुलसीता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कविता वाले किसकी रचना है, कविता वाले दोस्तों वो किसकी रचना है। मैं आशा करूँ दोस्तों सब लोग बता सकते हो, ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन जो मैं पहले से आंसर करा चुका हूँ, ठीक है। तो कविता वाले दोस्तों वो तुलसीदास के द्वारा रचित है, किसके द्वारा दोस्तों तुलसीदास के द्वारा रचित है दोस्तों, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो किसका करेक्ट जवाब देंगे तुलसीदास के द्वारा क्या लिखा गया है, तो कविता वाले, तो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे, कविता वाले दोस्तों तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन है जो पहले से एग्जाम में पूछे गए। चलिए 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी दोस्तों वो किसने लिखा, अयोब दोस्तों सब लोग बता सकते हैं उसका जो करेक्ट जवाब हो देंगे दोस्तों वो क्या हो देंगे, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है दोस्तों। ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो देंगे, ध्रुव स्वामिनी दोस्तों जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर कहता है कि हिंदू का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों, हिंदू का जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों वो क्या है, तो हिंदू का दोस्तों प्रकाशन वर्ष दोस्तों जो है 1909 ईस्वी है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जो हो देंगे दोस्तों, हिंदू का प्रकाशन परिणाम दोस्तों कब है, तो 1909 ईस्वी। चलिए सुभद्रा कुमार चौहान के दोस्तों जो निधन हुआ था वो क्या किसमें हुआ था, चलिए रेगुलर स्टूडेंट बतला सकते हैं, बस दुर्घटना की, ट्रेन दुर्घटना, कार दुर्घटना की, हवाई जहाज दुर्घटना में बतला सकते हो, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या लगता है, तो कार दुर्घटना में दोस्तों कई लोगों का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, मैं मुझे पता था क्योंकि सुभद्रा कुमार चौहान का दोस्तों जो निधन हुआ था वो कार दुर्घटना में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों, रेगुलर स्टूडेंट बिल्कुल दोस्तों सही आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। चलो 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह, बिखरे मोती दोस्तों कहानी संग्रह, कैसे कहानी संग्रह दोस्तों किसकी रचना बता सकते हो, बिखरे मोती है वो दोस्तों किसकी रचना है दोस्तों, या कहानी संग्रह तो है ही है दोस्तों देख सकते हो, लेकिन दोस्तों किसकी रचना है तो बता सकते हो दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का, जी हाँ दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान का बिखरे मोती रचना दोस्तों, बिखरे मोती है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान का दोस्तों देख सकते हो, मेरा ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दिया गया, जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, बिखरे मोती सुभद्रा कुमार चौहान की रचना हो जाएगी। चलिए दूसरा सप्तक दोस्तों किसने लिखा था, दूसरा सप्तक था दोस्तों वो किसने लिखा था, चार ऑप्शन दोस्तों दिया है, दूसरा सप्तक का दोस्तों प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है, इसे भी दोस्तों याद रखना, लेकिन दोस्तों ये दूसरा सप्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो शमशेर सिंह बहादुर के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, तो दूसरा सप्तक शमशेर बहादुर के द्वारा लिखा गया। चलिए विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या जोर आलय देख सकते हो दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया, विद्या जोर आलय दोस्तों यहाँ ध्यान समझिए, ये कौन संधि है दोस्तों ये भी पूछ सकता है, विद्या जोर दोस्तों आलय हो गए, अब ये दोस्तों देखिए आ जोर आ, ठीक है दोस्तों आ प्लस आ बराबर दोस्तों क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, यानी कि दोस्तों आ हो जाएंगे, और दोस्तों आ जोर आ दोस्तों जो मिलेगा वो दोस्तों दीर्घ स्वर स्वर निकालेगा, यानी कि दोस्तों विद्या जोर आलय होगा, लेकिन दोस्तों पूछेगा विद्या जोर आलय कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना दोस्तों स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों विद्या जोर आलय। चलिए संचय का दोस्तों कई बार करा चुका हूँ दोस्तों, संचय देखिए दोस्तों जैसे जैसे कि दोस्तों आप सब लोग पढ़े होंगे दोस्तों समाचार, ठीक है दोस्तों समाचार नहीं संचार, देखिए यहाँ पर संचय तो संचार दोस्तों पढ़ेंगे, शाम जोर चार बराबर संचार होता है, शाम जोर चार बराबर दोस्तों संचार होता है, लोग दोस्तों पढ़े होंगे शाम जोर चार बराबर क्या होता है संचार होता है, देखिए लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान दें शाम जोर चार बराबर क्या होता है, दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहाँ पर दोस्तों मार रहेगा उसके बाद दोस्तों का चाटा तापा का दोस्तों कोई बन आ जाएगा, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों माँ जो होगा, माँ जो होगा दोस्तों वो अंशुआर में बदल जाएगा, यानी कि संचार होगा दोस्तों, या नहीं दोस्तों ध्यान रख सकते हो जिसके अंत में माँ आएगा, जैसे दोस्तों शाम जो सार, ठीक है दोस्तों संसार जगह माँ अंशुआर में बदल जाएगा, तो इसी भी यहाँ पर भी दोस्तों शाम जो चाय हो जाएंगे, तो देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों शाम जो चाय बराबर संचय होता है, देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। मैं आशा करूँगा दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आएगा, दोस्तों समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना दोस्तों, हम आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन करा कि यथोचित, यथोचित दोस्तों का संधि विच्छेद क्या होगा, यथा जो उचित होगा कि यथोचित होगा, यथोचित होगा दोस्तों कि ना नब दूस होंगे, बता सकते हो इसका जो करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, ठीक है, तो सभी लोग दोस्तों आंसर दे सकते हो दोस्तों,
ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएंगे यथा जो उचित हो जाएंगे दोस्तों, यथोचित हो जाएंगे बराबर में, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यथा जो उचित बराबर दोस्तों आज और ऊ बराबर दोस्तों ओ, यानी कि दोस्तों यथोचित हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना। शांति विच्छेद का वीडियो आएगा दोस्तों, इसलिए कहता हूँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना दोस्तों। साथ मैंने प्रत्यय उपसर्ग दोस्तों समास शांति विशेष का भी नहीं लाया दोस्तों, बाकी सभी का वीडियो ला दिया दोस्तों, विलोम शब्द का भी लाया हूँ, तो प्लीज दोस्तों जाकर प्ले लिस्ट में भी अध्ययन कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो चले नीरव का दोस्तों शांति विच्छेद क्या होगा, नीरव का शांति विच्छेद क्या होगा दोस्तों, विशाख स्वास्थ्य बतला सकते हो, मैं इतना हिंट दे दिया हूँ दोस्तों, मैं ऐसा कहूँगा कि कुछ स्टूडेंट बतला सकते हैं, जो रेगुलर है तो पक्का बतला देंगे दोस्तों, नीरव हो जाएंगे दोस्तों यानी कि दोस्तों नीरव हो जाएंगे दोस्तों। देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो मेरा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जो किसका करेक्ट जो हो जाएंगे नीरव हो जाएंगे। चलिए तथापि का दोस्तों क्या होगा, तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा, तथापि का दोस्तों संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, चार ऑप्शन दिया गया है, तो तथा जोर अपी दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अ जोर आ बराबर दोस्तों आ ठीक है, ये दोस्तों दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, लेकिन दोस्तों तथा जोर अपी यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको दोस्तों ऑप्शन ए नहीं माना है, तथा जोर पी भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ये दोस्तों नहीं होगा, नहीं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना तथा जोर आप ही बराबर तथापि हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अतिशय में दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन में देखिए आतिश की ती तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो अतिशय में जो उपसर्ग है दोस्तों, अतिशय में जो उपसर्ग है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में देगा आती होगा दोस्तों। अगर पूछेगा अतिशय कौन समास है तो दोस्तों ध्यान रखना अव्यय भाव समास होंगे दोस्तों, क्यों तो इसमें दोस्तों उपसर्ग है, इसमें दोस्तों उपसर्ग है इसीलिए दोस्तों यह अव्यय भाव समझ गए, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों उपसर्ग पूछा इसलिए दोस्तों आती हो जाएंगे जो उपसर्ग हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वागत का उपसर्ग क्या होगा दोस्तों, स्वागत का उपसर्ग क्या हो जाएंगे, स्वागत में दोस्तों जो उपसर्ग है दोस्तों सूज और आगत दोस्तों सभी लोग संधि विच्छेद करते होंगे, सूज और आगत जो बराबर दोस्तों स्वागत होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहता है कि स्वागत में उपसर्ग है तो दोस्तों स्वागत में तो सूज और आगत कहते हैं, उसी तरह तो दोस्तों देख सकते हो सू यहाँ पर उपसर्ग आ रहा है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों सू हो जाएंगे जो उपसर्ग हो जाएंगे स्वागत में, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब में से दोस्तों एक है, ठीक है तो ध्यान रखना। चलिए प्रभुता में ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रभुता में कौन सा क्या पूछा दोस्तों, प्रभुता में पूछा कि प्रत्यय जो होता है दोस्तों शब्द के अंत में लगता है, तो प्रभु दोस्तों प्रभुता तो बतला सकते हो दोस्तों, आप सभी लोग बतला सकते हैं, मैंने दोस्तों यहाँ पर खंड कर दिया है, तो प्रभुता यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर देंगे दोस्तों ता यहाँ पर प्रत्यय हो जाएंगे दोस्तों, पहले शब्द में देखना है दोस्तों अलग अर्थ निकल रहा है कि नहीं दोस्तों, प्रभु का अलग अर्थ निकल रहा है और दोस्तों जो ता अंत में लगा हो दोस्तों वो उपसर्ग हो जाएंगे कि सॉरी प्रत्यय हो जाएंगे, अगर इसमें दोस्तों उपसर्ग पूछता तो प्रभु हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय पूछा इसलिए दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। चले गायक का संधि विच्छेद दोस्तों क्या हो जाएंगे, गायक का दोस्तों प्रत्यय पूछा दोस्तों, गायक में प्रत्यय क्या हो जाएंगे, गायक दोस्तों बता सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गायक आक दोस्तों देखिए गायक आप इन दोस्तों कह सकते हो गायक आक आ रहा है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गायक में जो प्रत्यय होता है वो अक प्रत्यय होता है। चलिए बाछे खिलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है दोस्तों, बाछे खिलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अत्यंत प्रसन्न होना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होंगे दोस्तों, ठीक है बाछे खिलना मुहावरे का जो अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न हो दोस्तों, मैं आशा करूँगा दोस्तों आप सब लोग जो है दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों, आपका परफॉर्मेंस होगा दोस्तों यहाँ से दोस्तों उज्ज्वल करेगा, ठीक है तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहना, साथ में वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक करके चलना दोस्तों, ताकि दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि पहले से आपको कितने आंसर पता थे, ठीक है दोस्तों तो मैं आशा करूँ दोस्तों आप सब लोग जरूर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। चलिए हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हाथ पैर मारना
इसका दोस्तों जो मुहावरे का दोस्तों वीडियो लाया था दोस्तों दो खंडों में लाया था दोस्तों पार्ट वन और पार्ट टू में। मैंने दोस्तों जितना भी सारा क्वेश्चन था दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मुहावरे उन सभी दोस्तों क्वेश्चन का आंसर करा दिया था मुहावरे का, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा दोस्तों वो वीडियो आप जरूर देखे होंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन थे वो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर दोस्तों हाथ पैर पाना मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों काफ़ी प्रयत्न करना दोस्तों, काफ़ी प्रयत्न करना, देख सकते हो दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हाथ पैर माना। मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों वो काफ़ी प्रयत्न करना होता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 32 नंबर के लेने के देने पाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, लेने के देने पाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है, पहले भी से भी आंसर करा चुका दोस्तों। आप दोस्तों रेगुलर स्टूडेंट बन जाओ इस चैनल के माध्यम से दोस्तों, मैं कहता हूँ दावे के साथ हम बिल्कुल यहाँ से दोस्तों आपकी गाड़ी दोस्तों वो रफ्तार पकड़ लेंगे, ठीक है। तो लेने के देने पाना मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों लाभ के बदले हानि, पहले भी इसका दोस्तों आंसर करा था दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ देता मान लीजिए दोस्तों आज दोस्तों एग्जाम के दोस्तों एक दिन पहले होता दोस्तों, मान लीजिए आज 1 फरवरी होता और दोस्तों और 2 फरवरी का दोस्तों आपका हिंदी का एग्जाम आ रहा था दोस्तों, अब मैं इसका दोस्तों एक एग्जाम को दोस्तों 1 तारीख को एग्जाम के पहले आंसर करा दूँ दोस्तों 2 तारीख के आधा दोस्तों आपको कितनी खुशी होगी, सोच सकते हो दोस्तों। मैं इस सारे क्वेश्चन दोस्तों पहले से आंसर करा चुका हूं दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपका दोस्तों नोटिफिकेशन है दोस्तों उससे आप अलर्ट रह सकेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों लाभ के बदले हानि, लेने के देने पाना मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़र से दोस्तों, आप सभी लोग इग्नोर कर रहे हो दोस्तों, तो एग्जाम के बाद आपको पता चलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि सोमवार संज्ञा दोस्तों कैसा जातिवाचक है, कि व्यक्तिवाचक है, कि भाववाचक है, समूहवाचक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि सारे लोग बतला सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल बतला सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों, भाववाचक है, एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं दोस्तों, ये लगता है दोस्तों जो बेस का एग्जाम पूछा गया, लेकिन पूछा गया दोस्तों ये मैं श्योर कहता हूँ दोस्तों, सोमवार दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है दोस्तों, जाति का बोझ नहीं इसलिए जातिवाचक नहीं होगा, भाववाचक तो होगा नहीं दोस्तों, यहाँ पर मिठास खटास कुछ नहीं दिया गया है दोस्तों, समूहवाचक तो होगा नहीं, समूह का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों राइट आंसर के बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो चले घर संज्ञा दोस्तों, घर दोस्तों क्या है, घर दोस्तों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, तो ध्यान रख सकते हो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, बता सकते हो उसका राइट आंसर क्या देंगे। तो घर दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का बोध कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, घर संज्ञा जो होता है दोस्तों वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। चलिए राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, इसमें कारा के भी वाक्य दोस्तों, कर्ता ने कर्म को कारण से, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए कारण से, यानी कि दोस्तों कलम से कर्म को, कर्ता ने कर्म को कारण से, यानी कि दोस्तों कारण से यहाँ पर दोस्तों आ रहा है, तो कारण हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। जिसके सहारे से लिखा दोस्तों कलम का सहारा लिया जा रहा है, यानी कि दोस्तों किसका सहारा लिया जा रहा है, कलम से लिया जा रहा है, तो यहाँ पर कारक जो हो जाएगा दोस्तों वो कारण से हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों, क्या देंगे कारण से हो जाएंगे, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चले गीला का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, गीला का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, विलोम शब्द का भी दोस्तों 2 खंडों में मैंने वीडियो बना दिया था, ठीक है, प्ले लिस्ट में तो आकर के दोस्तों देखना, ठीक है। तो गीला का जो प्रतिथार्थक शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, वो दोस्तों सूखा के अंतर्गत आता है, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ठीक है, सूखा गीला का प्रतिथार्थक होता है। चलिए उग्र का विलोम क्या होगा दोस्तों, उग्र का विलोम दोस्तों क्या हो जाएंगे, 4 ऑप्शन दिया गया, उग्र का जो विलोम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तो उग्र का जो विलोम हो जाएंगे दोस्तों वो सौम्य हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सौम्य जो हो जाएंगे दोस्तों, उग्र का विलोम होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए जागरण का विपरीतार्थक शब्द क्या हो दोस्तों, पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। तो जागरण का विपरीतार्थक शब्द है दोस्तों वो कौन सा ऑप्शन में दिया है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहो, जागरण का विपरीतार्थक शब्द होता है वो क्या होता है दोस्तों, बता सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो जागरण का जो विपरीतार्थक शब्द होता है दोस्तों वो निद्रा होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए भूत का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है दोस्तों, भूत का जो प्रतिथार्थक शब्द होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो भूत का जो प्रतिथार्थक शब्द ना इसका भाव होगा दोस्तों, ना प्रेत होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों भविष्य होगा, ठीक है दोस्तों भविष्य होगा, जो भूत का प्रतिथार्थक शब्द होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो को भी शेयर किया करो दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, मैं खाना खा चुका हूँ, तब वह आया, ये दोस्तों वाक्य है वो कैसा वाक्य है,
साल बा कह के, मिश्र बा कह के, संयुक्त बा कह के कोई नहीं होगा दोस्तों। तो मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, कौन सा वाक्य दोस्तों? तो मिश्र वाक्य है, ठीक है दोस्तों। मैं खाना खा चुका हूँ तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए चतुर्थ शब्द दोस्तों क्या है? तद्भव है कि तेसद है कि विदेशद है कि बता सकते हो दोस्तों? जो चतुर्थ शब्द है वो क्या हो जाएंगे? तो ध्यान रखना दोस्तों, चतुर्थ जो शब्द है दोस्तों वो तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है खिड़की शब्द है। खिड़की दोस्तों कैसा शब्द है बता सकते हो? खिड़की जो शब्द है दोस्तों वो कैसा है? तो दोस्तों देख सकते हो खिड़की जो शब्द है वो देशा शब्द है। क्या है दोस्तों? खिड़की जो शब्द है दोस्तों वो देशा शब्द है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। खिड़की जो शब्द होता है दोस्तों वो देशा शब्द के अंतर्गत आता है। चलिए बखूबी, बखूबी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वीवीआई में रख सकते हो। वीवीआई जितना कहो दोस्तों उतना है, काम पड़ जाएगा दोस्तों। यह दोस्तों क्वेश्चन है बखूबी, उसमें दोस्तों कौन सा समाज छिपा हुआ है? मैं दोस्तों समाज का ट्रिकी वीडियो बतला था, बिल्कुल बतला सकते हो दोस्तों। जो रेगुलर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ दोस्तों 100% दावा करते दोस्तों बिल्कुल बतला सकते हैं। चलिए दोस्तों द्वंद्व समाज तो होगा नहीं, क्यों? तो दिन रात दाल भात माता पिता, ये दोस्तों द्वंद्व समास हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं होगा, ठीक है? द्विगु समास भी नहीं होगा दोस्तों, क्यों? तो ये संख्या नहीं बतला रहा है। चौराहा दोस्तों कह सकते हैं द्विगु समास होगा, लेकिन दोस्तों चौराहा यहाँ पर संख्या बतला है, बखूबी बतला रहा है, बखूबी, यानी कि दोस्तों देख सकते हो बखूबी बतला, लेकिन द्विगु समास भी नहीं होगा। नहीं कर्म धारा समास होगा दोस्तों, क्यों? जब दोस्तों विशेष विशेष नहीं है दोस्तों, तो यानी कि विशेष यहाँ पर कर्मधारा नहीं होगा दोस्तों। अभ्य समास क्यों होगा दोस्तों? अभी ये दोस्तों तो आप सोच रहे हो अभ्य समास क्यों है, इसमें दोस्तों उपसर्ग देख सकते हो, क्या दोस्तों? बखूबी, ठीक है दोस्तों, बाखूबी है दोस्तों, देख सकते हो बाखूबी, यहाँ पर बात देख सकते हो दोस्तों, और खूबी का अलग अर्थ भी निकल रहा है। जैसे दोस्तों प्रातिदिन जो है वो दोस्तों अभ्य समास तो है, लेकिन यहाँ पर प्राति जो उपसर्ग है दोस्तों वो प्राति है, लेकिन दिन यहाँ पर दोस्तों अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे दोस्तों प्रत्येक भी दोस्तों यहाँ पर अभ्य समास के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि अभ्य समास बाखूबी है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राशि भरा दोस्तों कौन समास है? कर्म धारा के तात्पर्य के द्वारा द्विगु समास, ठीक है दोस्तों? राश से भरा दोस्तों बतला सकता, बहुत इजी कर दिया दोस्तों, मैं आशा करूँगा दोस्तों सब लोग बतला सकते हैं। राश से भरा दोस्तों अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, और मैंने बतलाया था दोस्तों ट्रिकी वीडियो में समास का कि दोस्तों कि कारक का दोस्तों जो जिसमें प्रयोग होगा, कारक का जिसमें प्रयोग होगा दोस्तों कर्म धारा, सॉरी जो कारक का जिसमें दोस्तों जो प्रयोग होगा तात्पुरुष समास होगा, लेकिन दोस्तों कारक जो होता है वो छिपा रहता है, आपको दोस्तों उजागर करना होता है। क्या दोस्तों? उजागर करना होता है। तो रास से भरा, से यहाँ पर दोस्तों लोप हो रहा है, रास से भरा यानी कि दोस्तों तात्पुरुष समास हो जाएंगे। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों से का भले ही लोप है दोस्तों, लेकिन ये दोस्तों जो कारक हो जाएगा दोस्तों वो तात्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, ठीक है? तो राज से बड़ा दोस्तों तात्पुरुष समास है। चलिए राजभवन कौन समास है दोस्तों? बहुत ही क्वेश्चन, सब लोग बतला सकते हैं। राजभवन दोस्तों क्या? राजभवन तो राजा का भवन दोस्तों, राजा का भवन होगा जिसमें का लोप होगा, काला का लोप होगा, वो तात्पुरुष समास कहलाएगा, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया तात्पुरुष समास, जो कि इसका करेक्ट जवाब देंगे दोस्तों। राजभवन दोस्तों जो समास है वो दोस्तों तात्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अभ्य समास तो होगा नहीं दोस्तों, इसमें उपसर्ग नहीं है दोस्तों, कर्मधारय भी नहीं होगा, बहुव्रीहि भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अलग अर्थ नहीं निकल रहा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का, धर्मोधर्म कौन समास है? धर्मोधर्म सब लोग बतला सकते हो। दिन रात लोटा डोरी जैसा होता है दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन कह सकते हो, ठीक है दोस्तों? लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, क्या दोस्तों? धर्मोधर्म दोस्तों माता पिता, माता पितरों, ये दोस्तों जो होते हैं द्वंद्व समास होते हैं, लेकिन दोस्तों धर्मोधर्म दोस्तों भी कह सकते हैं, ठीक है? धर्मोधर्म दोस्तों देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया। तो मेरा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्या होता है? द्वंद्व समास होगा दोस्तों धर्मोधर्म समास, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जो है दोस्तों। एग्जाम के नजर से सारा क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोस्तों इसी तरह का पैटर्न रहेगा। त्रिभुवन में दोस्तों कौन समास दोस्तों? चलिए ट्रिक में बतलाता है दोस्तों, क्या बतलाता है? जिसमें संख्या बतलाएगा दोस्तों वो तो यहाँ पर दोस्तों द्विगु समास होगा। तो त्रिभुवन तो बता सकते हो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो द्विगु समास हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है? द्विगु समास हो जाएंगे, मैं आशा करूँ दोस्तों सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। चलिए द्विगु समास हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? द्विगु समास, त्रिभुवन संख्या बतला है दोस्तों, क्या बतला है? संख्या बतला, इसलिए दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, द्विगु समास। चले जो कहा ना जा सके कहलाता है दोस्तों, जो कहा ना जा सके अकहनीय कहलाता है दोस्तों, ठीक है? जो कहा ना जा सके उसके लिए दोस्तों जो एक शब्द होता है दोस्तों वो अकहनीय होता है, ठीक है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है दोस्तों, क्या होता है? अकहनीय होता है दोस्तों,
राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों आ कहानी होना चाहिए दोस्तों, आ कथनीय भी कह सकते ठीक है। अगर दोस्तों आ कथनीय एग्जाम में रहेगा दोस्तों आ कहानियाँ मार सकते, लेकिन ये गलत होगा दोस्तों आ कथनीय दोस्तों दिया गया तो ऑप्शन नंबर सी को मार सकते हो। क्यों दोस्तों, किस स्थिति में अगर दोस्तों आ कथनीय ना दिया रहे ठीक है दोस्तों, ये ना दिया रहे तो ऑप्शन नंबर ए को मार देना, लेकिन दोस्तों दिया रहेगा तो आ कथनीय को मार देना दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देंगे, आ कथनीय दोस्तों देंगे राइट आंसर देंगे, जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई नाथ ना हो उसके लिए एक शब्द दोस्तों क्या होता है, जिसका कोई नाथ ना हो उसके लिए दोस्तों शब्द होता है वो अनाथ होता है, क्या होता है दोस्तों अनाथ होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जिसका कोई ना हो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों वो अनाथ होता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चले क्राम का दोस्तों विशेषण क्या होता है, क्राम का दोस्तों जो विशेषण होता है वो क्या होता है दोस्तों, क्राम का जो विशेषण होता है वो क्रामिक होता है, पहले से इसका आंसर करा चुका था दोस्तों, क्रामिक हो जाएगा दोस्तों क्राम का विशेषण, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे, क्राम का विशेषण क्रामिक होता है। चले बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं दोस्तों, बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं, बता सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, चार ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं आपके सामने ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ये तीनों है दोस्तों, जो बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन है ठीक है, और चार विडम्बन दोस्तों, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी के दोस्तों बीस ठीक है, नई रोशनी के बीस, ये दोस्तों है जो ये तीनों है दोस्तों काव्य दोस्तों बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे दोस्तों, सारा क्वेश्चन दोस्तों याद करते जाएगा दोस्तों, साथ में इसका पीडीएफ लेना चाहते हो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। उसने कहा था दोस्तों कहानी का दोस्तों क्या विशेषता है दोस्तों ठीक है, उसने कहा था कहानी का विशेषता क्या है दोस्तों। और एक और बात दोस्तों, आपको दोस्तों टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं मिला दोस्तों, मैं आशा करूँ दोस्तों जितनी ज़्यादा हो सके आपको दोस्तों टेलीग्राम पर सारा पीडीएफ दे दूंगा ठीक है। तो आपको दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, एग्जाम से पहले एकदम बेहतर तैयारी करा देंगे। चलिए दोस्तों, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता, चले उसने कहा था कहानी का जो विशेषता दोस्तों, उसने कहा था जो कहानी की विशेषता है दिव्य प्रेम कहानी है दोस्तों, प्रेम और बलिदान की कहानियाँ है, युद्ध कहानियाँ है, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दोस्तों, ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयोग सभी है दोस्तों जो यहाँ पर उसने कहा था कहानी की विशेषता को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बॉल था दोस्तों, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कहा था उसमें भी बताया था दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के जो बचपन का नाम था दोस्तों वो बाउल था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का, दिनकर किस युग के कवि दोस्तों, दिनकर दोस्तों युग के कवि पूछा है ठीक है दोस्तों, दिनकर युग के कवि पूछा है दोस्तों युग के, तो राइट आंसर दोस्तों पता है इसका राइट आंसर दोस्तों छायावधोत्तर युग हो जाएंगे दोस्तों, क्या दिनकर जो है दोस्तों वो छायावधोत्तर युग के दोस्तों, छायावधोत्तर, यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर दोस्तों दो नंबर का ऑब्जेक्ट बताओ, अगर दोस्तों पूछेगा किस युग के है तो सब लोग दोस्तों जाएंगे छायावधोत्तर युग, अगर पूछेगा दोस्तों का जो छायावधोत्तर युग हो गए दोस्तों ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है बामता शब्द का अर्थ बतलाइए दोस्तों, बतलाइए बामता शब्द का अर्थ क्या होता है ठीक है दोस्तों, विपरीतता होता है दोस्तों बामता शब्द का अर्थ ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है काबे मालिक मोहब्बत जासी के गुरु का नाम क्या था, काबे मालिक मोहब्बत जासी के दोस्तों नाम क्या था, तो बता सकते हो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो काबे मालिक मोहब्बत गुरु का नाम सूफी संत शेख महेदी सैयद अशरफ जहांगीर था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी दोस्तों, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, चलिए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए कर रहा है, तो दोस्तों जो सूरदास की जो अभिरुचि दोस्तों वो पर्यटन में भी थी, सत्संग में थी, किस भक्ति और वैराग्य में भी थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ऑल ऑफ दिस देंगे, उपयुक्त सभी हो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चले तुलसीदास के दोस्तों गीतुक्षा गुरु का नाम क्या था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका दोस्तों, जो आंसर है दोस्तों आप सब लोग कमेंट करके बता सकते हो, तो नारायण दास दोस्तों आए जो किसके दोस्तों तुलसीदास के दीक्षा गुरु है दोस्तों, नारायण दास दोस्तों क्या तुलसीदास के दीक्षा गुरु है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहे हैं नाभादास की कृतियों का नाम बताएं, नाभादास के दोस्तों कौन सी कृति है, दोस्तों बता सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भक्तमाल है जो नाभादास की कृति है, अष्टयाम भी दोस्तों भक्त है, यहाँ पर नाभादास क्या प्रकीर्णन प्रकीर्णवाद भी दोस्तों है, प्रकीर्णनवाद पाद है दोस्तों प्रकीर्णनवाद, ये दोस्तों नाभादास की कृति है, तो ऑल ऑफ दिस होंगे दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहा था, एक दोस्तों बात बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, भूषण का अभी आप प्राय दोस्तों कृतियाँ कौन सा दोस्तों, भूषण का आप प्राय
कृतिया कौन सा होता है। तो दोस्तों प्रयोग साबित है दोस्तों, जो भूषण क्या प्राय कृतिया दोस्तों, भूषण हजारा उल्लास दोस्तों, दूषण उल्लास, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होंगे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव मैंने दोस्तों कराया दोस्तों, एग्जाम में इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है। और दोस्तों कमेंट करके प्लीज बतलाना दोस्तों आपको दोस्तों जो इतने में दोस्तों ऑब्जेक्टिव थे शॉर्ट में से, वो आपको दोस्तों पहले से दोस्तों कितने मालूम थे दोस्तों। अगर 50 ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपको मालूम थे तो दोस्तों बहुत आता है दोस्तों एग्जाम से पहले आप 50 ऑब्जेक्टिव कर लें। अगर 40 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ दोस्तों, कोई हताश होने की जरूरत नहीं दोस्तों। आपके पास दोस्तों अभी 7 महीना बचा है दोस्तों एग्जाम के लिए, तो वहाँ से दोस्तों तैयारी करके बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 60 में 60 भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, कमेंट करके बताए दोस्तों आपको पहले से कितना आंसर पता थे। प्लीज़ मैं दोस्तों आशा करूँ कमेंट करके बताए दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्तों, वीडियो को भी शेयर कर देना, साथ में दोस्तों चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, प्लेलिस्ट में भी जाकर अध्ययन कर लीजिए दोस्तों। वहाँ मैंने दोस्तों ऑल चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया दोस्तों, मैथ का दोस्तों स्पेशल वीडियो बना दिया है। वहाँ से अगर दोस्तों अध्ययन करोगे दोस्तों आप मैथ में कितने भी कमजोर हो, तो वहाँ से जाकर के दोस्तों आसानी पे मैं सीख सकते हो। मैं आशा करूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।